आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वीर सावरकर मैं जा रहा हूं, मैं कल रात में वीर सावरकर के उस पुण्य भूमि पर अंडमान निकोबार और वहां भारत का तिरंगा झंडा जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार वहां झंडा फहराया था, मैं उसी झंडा को फहराने के लिए 30 दिसंबर को वहां झंडा फहराऊंगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा उस द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार का है उस धरती को नमन करने के लिए जा रहा। जो काला पानी कहलाता था आज वहां का पानी गोरा हो गया है, गोरा हो गया है। जिन गोरों ने, जिन अंग्रेजों ने वहां के पानी को काला पानी कहा था आज हमारे देश के लोगों ने उसको गोरा बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने वो काला पानी को गोरा बना दिया। लेकिन मैं नकली गांधी से पूछना चाहता हूं, मैं इससे पूछना चाहता हूं, आज से कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो नकली गांधी कौन कौन है, कौन कौन है जिसकी मानसिकता भारत के बारे में नहीं, जिसकी मानसिकता शायद गांधी के प्रति नहीं, गौतम बुद्ध के प्रति नहीं, महावीर के प्रति नहीं, जिनकी मानसिकता जो गौतम बुद्ध के विचार थे अहिंसा, जो महात्मा गांधी का विचार था, जो महावीर जैन तीर्थंकर महावीर अहिंसा परो धर्म, आज गौतम बुद्ध की धरती पर, महावीर की धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी, पूज्य बापू के इस धरती पर और लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के इस धरती पर आज ये सारे लोग नकली गांधी नकली टोपी पहन करके पूरे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और पूरे देशवासियों को कलंकित करके छात्रों को, युवाओं को, आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, उपद्रव करने में लगे हुए हैं। ये नकली को पहचानो, ये नकली कौन है? और तो और वीर सावरकर को नहीं जाना है आपने, जो चांदी के चम्मच से छट्टी के बाद जिसके मुंह में चांदी का चम्मच दूध पीने के लिए जाता था उसको क्या मालूम इस देश के बारे में, इस देश के गरीबों के बारे में, इस देश के आजादी दिलाने वाले के बारे में उसको क्या मालूम जो चांदी के चम्मच से दूध पीता हो। और वो व्यक्ति आज कहता है देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी। गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।